मांगरियावास ग्राम पंचायत के राजस्व गांव दौलतखेड़ा में देर रात हुई बारिश के बाद रेगरान मोहल्ला सहित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने पानी भर गया, जिससे आम रास्ता बंद हो गया। गांव में आने जाने का रास्ता बंद हो जाने से परेशान ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा पंचायत समिति सदस्य प्रदीप कुमार बारेसा वाल्मीकि को बताई। मीडिया को बताया कि गांव के ही किसी व्यक्ति ने बरसाती नाले पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे पानी निकासी में परेशानी आ रही है। ग्रामीणों ने समस्या पूर्व में उपखंड अधिकारी के चौपाल में भी दर्ज कराई थी। समस्या समाधान नहीं होने पर पंचायत समिति सदस्य बारेसा ने आंदोलन की चेतावनी। ग्राम पंचायत मांगलियावास के वार्ड 7 से दौलतखेड़ा मेंबर हूँ। मेरे गांव में पानी की निकासी विकट समस्या है। इस समस्या को मैंने स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला कलेक्टर तक बता दिया है, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। श्रीमती सीमा चौधरी और स्थानीय बुजुर्गों से ग्रामवासी दौलतखेड़ा के से पता करने पर किसी एक परिवार द्वारा दौलतखेड़ा के मेन रास्ते पर नाली के रास्ते पर पक्का निर्माण किए जाने से पानी को रोक दिया गया है, जिस कारण स्कूल और तेजाजी महाराज के चौक वे मेन रास्ते में पानी हमेशा ही भरा रहता है। रात्रि चौपाल में एसडीओ विसंगन द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया, परंतु समस्या जस की तस है, जिस कारण से ग्रामवासियों को वे राहगीरों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान अगर जल्द नहीं किया गया तो मैं पंचायत समिति सदस्य वार्ड 16 मांगलियावास कठोर से कठोर कदम उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और जो भी व्यक्ति विशेष है, मैं प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूँ कि कानूनी कार्रवाई करते हुए इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाए, ताकि रास्ते में पानी ना भरा रहे और आने जाने वालों को सुविधा उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत।